हेलो प्यारे बच्चों, चलिए न्यूट्रिशन एंड प्लांट का आज हम कुछ उसके भाग रह गए थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? ये लास्ट भाग है उसका, लास्ट पार्ट है, ठीक है ना? तो उसको आप देख लीजिए। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉयल, मृदा कैसे पोषण लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, इसमें हम कुछ बताया था आपको, कुछ ही बाकी रह गया, तो चलिए देख रही है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, जो राइजोबियम है वो स्वयं भोजन नहीं बना सकता। सो इसलिए अतः इट लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीस मूंग्स बीन एंड अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। इसलिए ये चने, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पौधों के जड़ों के पास रहता है, कौन रहता है? राइजोबियम यानी बैक्टीरिया जो है, एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, देता है। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, ज़्यादातर जो दालें हैं वो फलीदार पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? इन रिटर्न बदले में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बदले में जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया उन्हें नाइट्रोजन देता है, तो जो पौधे होते हैं इस प्रकार के उन्हें क्या देता है? भोजन और आश्रय, निवास स्थान देता है बैक्टीरिया को, इस प्रकार के पौधे जो होते हैं, ठीक है? दे दस वे इस प्रकार हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उनमें आपसी सहजीविता संबंध है, सहजीवी संबंध है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, यही एसोसिएशन जो है किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉयल इन विच लिग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, मृदा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन उर्वरक नहीं मिला जाता या आवश्यकता नहीं होती। क्यों आवश्यकता नहीं होती? इसलिए कि जो अच्छा है या आवश्यकता नहीं होती है। इन विच लिग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, जहाँ पे फलीदार पौधे उगते हैं। क्यों नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि जो बैक्टीरिया है इनके जब जड़ों के पास रहता है तो वो उन्हें क्या कर देता है? नाइट्रोजन दे देता है, इसीलिए इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना? इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में यू लर्न दैट, आपने सीखा है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, ज्यादातर पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट अडॉप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, केवल कुछ ही पौधे क्या करते हैं, वो पोषण लेने के अन्य विधि अपनाते हैं, जैसे लाइक पैरासाइट एंड सेप्रोटॉफी, परजीवी एंड मृतपोषी, ठीक है? दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? अपना पोषण लेने के लिए ये अदर यानी कि अन्य जीवों से लेते हैं, ये प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स, सभी जानवर जो हैं वो किस समूह में रखा गया है? हेटरोट्रॉप यानी कि परपोषी समूह में उनको रखा गया है। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, इसलिए वो किस पे निर्भर रहते हैं? अन्य जानवरों पे और पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना? थैंक यू।